जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं आपका नरेश यादव। सुबह मैं एक न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में लिकर स्कैम और बहुत सारे न्यूज़ दिखा रहे थे, और एक मैं न्यूज़ देखा जो NDTV का डायरेक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय रिज़ाइन करे बोल के दिखाया उसमें, और उसके बाद और एक स्क्रोलिंग आया जो इंडिया का नंबर 1 दलाल रिपोर्टर है, जो उसको अवार्ड भी मिला रिपोर्टिंग करने का, दलाल रिपोर्टिंग करने का, उसका औकात कितना है उतना ही उसका स्क्रोलिंग आया। उसका नाम है रब्बीश कुमार, जो हिंदू देवताओं को मजाक बनाता और नरेंद्र मोदी को टारगेट करता, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करता, हिंदू मुस्लिम के लड़ाइयाँ लगाता, और इन्हों क्या करता बोले तो बहुत सारे हिंदू के अगेनिस्ट बात करता। इन्हों आज रिज़ाइन करने का कारण क्या है बोले तो NDTV को टेक ओवर अदानी कंपनी जी करे सोए, उसके लिए इन्हों रिज़ाइन करा। इसको दलाली करने का चांस नहीं मिलता। और इन्हों रिज़ाइन करने के बाद यूट्यूब चैनल खोला, सेम यूट्यूब चैनल में भी क्या करता बोले तो नरेंद्र मोदी जी को गाली देता, योगी आदित्यनाथ जी को गाली देता, और हिंदू देवताओं का मजाक बनाता, और हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगाता। इसका काम पूरा दलाली का है, दलाली रिपोर्टर का काम करता है इन्हों। और एक मैं एग्जांपल बोलना चाह रहा हूँ, जो हिंदू देवताओं के बारे में और हिंदुओं के बारे में जो गलत बात करे उन लोगों का करियर खत्म हो गए। सो एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी, पप्पू है ना, आज रोडों पे भटक रहा, उसका भी करियर क्लोज हो गया। उसके साथ ये रब्बीश कुमार है ना, उन्होंने आज रिपोर्टर से यूट्यूबर बन गया, आज उसका भी चैप्टर क्लोज। ये क्यों हो रहा बोले तो ये लोग पूरे हिंदू देवताओं का मजाक बना रहे बोल के ये लोगों का स्टोरियां पूरा क्लोज हो जा रहा। तो जो भी हिंदुओं के बारे में और हिंदू देवताओं के बारे में मजाक बनाएगा, सबका करियर क्लोज होने वाले है। सभी मेरे हिंदू भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, हिंदू यूनिटी में रहो। ये हिंदू यूनिटी में रहिए तो इन लोगों का सबका करियर खत्म हो जाता। और आरएसओ जो भी करने वाले है, जो हिंदू विरोध करने वाले, उन लोगों का करियर भी खत्म हो जाता। एग्जाम्पल मैं एक बात बोलता हूँ, आमिर खान हिंदुओं से आज भीख मांगना पड़ रहा उसको, उसका भी करियर खत्म हो गया। प्लीज मेरा मूवी देखो बोल के रिक्वेस्ट कर लेना पड़ रहा, उसका करियर उधर तक आ गया। आमिर खान का करोड़ों रुपए लगा के भी फिल्म फ्लॉप हो रहा उसका, कई को बोले तो हिंदू देवताओं के बारे में मजाक उड़ाया बोल के। और मैं NDTV जो रब्बीश कुमार है उसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, अप्रैल के महीने में अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजा था तो पूजा में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए अटेंड करने के लिए पूजा। तो मैं देखा नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया में राम जन्मभूमि के बारे में दिखा रहे थे, मगर इसके जो NDTV के चैनल में बेसलेस टॉपिक्स, शेरों के बारे में, सुअरों के बारे में इन्हों दिखा रहा। हिंदुओं से इन्हों इतना नफरत करता, आज बाहर गिरा। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो, सपोर्ट नहीं करना। मेरे सभी मेरे हिंदू भाइयों से एक रिक्वेस्ट है।